दिव्या कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है। गंदा लग रहा है। एक और सुना इधर। हाउ गाइस, अब बुआ जा रही है, तेरे को कैसा लग रहा है? देखो बाय, तब बुआ को 500। चल फिर बाय बाय कलो बुआ को, बाय बाय बाय। बुआ फोन करूंगी, बोल। हाँ बुआ फोन करूंगी। फोन करेगी? हाँ बुआ फोन करूंगी। बाय, चल बाय जिमी। तो गाइस, ससुराल के लिए हम आ गए हैं, मतलब ससुराल जहाँ पे है मेरा वहाँ पे पहुँच ही गए हम। बस थोड़ा सा पैदल चलना है। वैसे वहाँ के लिए तो गाड़ियाँ लगी रहती हैं, बट हमारे जो ससुराल की गाड़ियाँ हैं वो लगी रहती हैं गौचर, यहाँ पे जगह पड़ता है गौचर। तो जिस गाड़ी में हमने जाना था वो गाड़ी भर चुकी थी और दूसरी गाड़ी भी लग गई थी मतलब। लेकिन वहाँ पे क्या था कि क्या बोलते हैं, वहाँ पे गाड़ी भरने में टाइम लग जाता है, एक घंटा लग जाता है। तो हमने कहा एक घंटा हम यहाँ पे, तो हमने सोचा हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, यहाँ से पैदल जाना होता है थोड़ा सा। तो चलो ससुराल की नगरी में पहुँच गई हूँ, और बस थोड़ा सा पैदल चलना है यहाँ पे से, लगा लो आप 10 मिनट का रास्ता है ऊपर पैदल चलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा अपने ससुराल का व्यू। ससुराल से थोड़ा दूर है, ससुराल मेरे थोड़ा इससे आगे है, बट हमें ऊपर आके गाड़ी लेने आ जाएगी। तो चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। अभी हम पुल में एंटर कर रहे हैं और ये है मेरे ससुराल का पुल। यहाँ ऊपर आपको बंदर भी दिख रहे होंगे, हनुमान जी। ये है ससुराल का पुल और इधर भी नदी है, और इधर देखें तो इधर भी नदी है। बस ऊपर आपको जो दिख रहा होगा उतने ऊपर हमने पैदल चलना है, और फिर इधर को ससुराल है मेरा जो आगे आपको दिखाऊंगी मैं। गाइस, मेरे ससुराल मैं जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अब बुरी हालत हो गई हमारी गर्मी से। वो तो अच्छा हुआ कि जो गाड़ी भर गई थी वहाँ पे गौचर में, उस गाड़ी में हमें अपना बैग भेज दिया। अगर हमारा बैग हमारे पास रहता तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जानी थी। बस हमारे पास एक ही लैपटॉप वाला बैग है, मेरा पर्स है, बाकी इनके पास इनका लैपटॉप वाला बैग है। और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और सामने जो दिख रहा है आपको ये है नगरासु। बाकी चलो चलते हैं पैदल पैदल, ये तो साफ साफ आ रहा है। दोनों मियां बीबी चल रहे हैं, हम अपना सफर तय कर रहे हैं ससुराल का, एक दूसरे का सहारा बन गए हैं। इनको शर्म आ रही है, देखो। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, पैदल चलते चलते हालत खराब हो गई है, गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से डस्ट यहाँ पे इतनी है क्योंकि यहाँ पे सड़कों का काम चल रहा है, रोड बन रही है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों। थकान भी लगी है, और यहाँ पे नदी है सामने पे, थोड़ी सी हवा चल रही है ठंडी, तो अच्छा लग रहा है बैठ के, पेड़ के नीचे बैठे हुए अच्छा लग रहा है फिर। और ये सामने पे है नगरासु, मे भी मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, वो देखो जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है ना, वो सामने पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा ही उत्तराखंड में रेलवे लाइन मतलब ढल रही है,
यहाँ पे रेल मतलब रेल चलना अब स्टार्ट हो जाएगी कुछ सालों में, पता नहीं कब होती है। तो यहाँ पे जगह जगह पे ना स्टेशन बन रहे, तो सामने जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा होगा, खुदाई हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेशन बन रही है। और जो ये इलाका है ये है नगरासू का, बस इधर ही से ये सामने घोल तीर पड़ता है, यहाँ पे रुक के हम लोग नीचे आते हैं वो पुल पार करके। यहाँ से हमने ऊपर चढ़ना है और अभी बहुत ऊपर चढ़ना है, अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बस बाकी चलो चलते हैं घर फिर। यहाँ से हमने थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता और होगा ऊपर चढ़ना है, और वहां से फिर हमें गाड़ी में ही जाना है, क्योंकि यहाँ से मे भी 2 किलोमीटर ना, 2-3 किलोमीटर यहाँ से मे भी जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ से 3 किलोमीटर आगे मेरा ससुराल है और ये अलग जगह है मतलब, तो वहां से गाड़ी जाती है, तो वहां पे चाचा जी ने मतलब मेरे जो चाचा ससुर है उन्होंने गाड़ी भेज दी है, अभी थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे। बट अभी हम लोगों ने ये 5 मिनट का रास्ता तय करना है, मतलब ये जो चढ़ाई आपको दिख रही है ना ऊपर वो दिखी, वहां हमने अभी जाना है, तो चलो चलते हैं। और ऊपर पे मंदिर भी है माँ चंडिका का, माँ चंडिका का मंदिर है, मैं आप लोगों को माँ चंडिका जी के भी दर्शन कराती हूँ। तो चलो चलते हैं, ऐसे बैठते नहीं है क्योंकि बैठ के फिर हमने बैठ ही जाना है, इसलिए चलते हैं। चलो उठो, आज मेरे कैमरे ने भी धोखा दे दिया गाइस, मेरा कैमरा थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, चला ही नहीं कैमरा, इस वजह से मुझे फोन से ही ब्लॉग करना पड़ रहा है, और अगर हम फोन से ब्लॉगिंग करते हैं तो हाथ जो है ना दर्द करना शुरू हो जाता है। सो अभी जो हम जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम आप देख लीजिए क्या है, उस जगह का नाम है कोठगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लोगों ने किसी ने पढ़ाई तो नहीं की है, बट मेरे जो पापा जी हैं यानी कि ससुर जी हैं उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है 12th तक की, तो थोड़ा सा मैं शूट कर रही हूँ अभी, ये काफ़ी अच्छा बन गया, शायद जब मेरी शादी थी तो अभी थोड़ा अलग सा था, बट अभी इन्होंने स्कूल को काफ़ी अच्छा कर दिया है। सो ये देखिए गाइस, आप ऊपर आपको काफ़ी अच्छा पहाड़ दिख रहा होगा, और वेदर देखिए यहाँ पे ठंड भी है गर्म भी है, सुबह जब मायके से निकली थी तब तो बारिश थी, बट अभी ठीक है, यहाँ पे तो गर्मी है, मेरे मायके की साइड ठंड बहुत है, यहाँ पे गर्मी बहुत है। और आपको ये पीपल का पेड़ जो दिख रहा होगा इसी के सामने है माँ चंडिका का मंदिर, पहले यहाँ पे पुराना मंदिर था अभी नया बना रहे हैं लोग। और यहाँ आपको ये खेतों में दिख रहा होगा ये है गेहूं, यहाँ पे खेती बहुत होती है। तो चलो चलते हैं अभी, सामने पे देखो गेहूं की खेती, गेहूं ये है या जो है पता नहीं, सेम लगते हैं तो मुझे पता नहीं है क्या है, मे बी जो है, ये गेहूं कट काट दिया है यहाँ पे लोगों ने, ये जो की खेती है, काफी अच्छा लग रहा है ना। सो बस पहुंच गए हैं माता चंडिका के मंदिर में, ये आपको उधर दिख रहा होगा वो पहाड़ जहाँ वो धूप है ना उस साइड है मेरे ससुराल, वहां हमने जाना है। जय माता दी, जय माता दी। सो ये है माँ चंडिका का मंदिर, पहले यहाँ पुराना मंदिर था, अभी ये नया बना रहे हैं। मूर्तियां कहाँ हैं यहाँ की, मूर्तियां उन्होंने उधर रखी हैं और अभी वहां पे बंद हुआ है, यहाँ पे मंदिर दोबारा बना रहे हैं। सो नया बना रहे हैं मे बी, पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना है, पापा के जमाने का। क्या बोलना चाहोगे, पापा के जमाने का है ये पेड़, बहुत ही पुराना है पीपल का, अराउंड 400-500 साल पुराना है ये पेड़। ठीक ओके, चलो आगे हम, वो सामने पे आपको गाड़ी दिख रही होगी ना वैगनार, तो वो गाड़ी आई है हमें लेने, तो हम लोग चलते हैं। चलो गाइज, मेरा कैमरा थोड़ा बहुत हिल सकता है मे बी, जैसे मैंने आपको बता दें फोन से शूट कर रही हूँ, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं चल रही हूँ। ये देखो गाइज, यहाँ क्या लहराती हुई गेहूं दिख रही होगी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे, मेरे मायके की साइड आपको ऐसा नहीं दिखा होगा बट यहाँ पे आपको काफी ऐसे दिखने को मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं आगे अपना इलाका।
सो गाइस ससुराल पहुंच चुके हैं, बस अपने घर पे पहुंचने वाले हैं थोड़ा सा ही। सो आ गया हमारा घर है। सो आ गया गाइस हमारा घर, ये है हमारा घर और ये है मेरा ससुराल। तो चलो चलते हैं, ये डॉगी भी भौंक रहा है। काली 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 काली, ये हमारा डॉगी काली। चल बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। काली रुक जा, चल आजा, आ इधर, चला आ काली, ले ले ले। काली चल। सो गाइस पहुंच चुके हैं मैं ससुराल और ये है मेरा ससुराल। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइस, मिलती हूँ आप लोग को अपनी एक और नई डेफ वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय। हे गुनो मामी प्रणाम, आजा इधर, आजा आजा इधर प्रणाम। हे गुनो आजा, हाँ प्रणाम नहीं करेगा मामी को, प्रणाम आ जाओ आजा। यहाँ देखिए गेहूँ की कटाई हुई है, तो यहाँ पे जगह जगह आपको गेहूँ दिखेंगे। ये देखिए गेहूँ ही गेहूँ। तुम किस कौन हो तुम लोग, यही क्यों हो तुम, सिनका क्यों, किसकी लड़की, मोनिका की, मिंटू चाचा की लड़की हो। यहाँ पे आम भी और के काफी काफी बड़े आम होते हैं ना, मार्केट वाले आम टिट्टो वही होते हैं इस पे लंगड़ा आम। और ये है साइड में पूरा गांव, और यहाँ गेहूं ही गेहूं कटी हुई है। ये है हमारा नीचे वाला घर, ऊपर वाला घर बस थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ऊपर। बाकी ये है ये